सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सहने वाला ही जानता है कि वो किस तकलीफ में है। दुनिया वाले तो सिर्फ उसकी बाहर की हंसी देखते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ होता है। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों में चलकर कुछ बनने की ठान लो। आज का पंचांग 15 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि शाम 6:02 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र सुबह 9:16 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:46 से 11:30 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:35 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर रात्रि 9:16 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 15 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार, आपकी एकाग्रता और विचार शक्ति इस समय अपने चरम पर है और इसीलिए आप अपने आसपास के लोगों की स्थिति के बारे में और भी संवेदनशील हैं। इससे आपको पिछले कुछ मतभेद सुलझाने में मदद मिलेगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं जिससे आप काफी पहले अलग हो गए थे। यह समय आपकी मतभेद भुलाकर आगे बढ़ने का भी, इसके लिए आपको कुछ झुकना ही क्यों ना पड़े आप झुक जाएं। किसी मांगलिक समारोह में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। लोगों व रिश्तेदारों से मुलाकात खुशनुमा रहेगी। साथ ही कहीं से रुकी हुई पेमेंट आने की वजह से खुशी में और अधिक इजाफा होगा। लोगों से मिला उधार लौटाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। लोगों को आपके लिए जो गलतफहमी हुई है उसके कारण चिंता महसूस होगी। दिन उतार चढ़ाव और तकलीफों से भरा होगा, फिर भी हर एक कठिनाइयों का मार्ग भी तुरंत मिलेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को बड़े पैमाने पर रिस्क लेना नुकसानदायक हो सकता है। पार्टनर की एक दूसरे के लिए नाराजगी बनी रहेगी, फिर भी कठिन समय में एक दूसरे का सहयोग जरूर देंगे। बात करते हैं सावधानियां। घर में चल रही किसी समस्या का समाधान में गुस्से से संयमित और साझेदारी से काम लेने की आवश्यकता है। इससे स्थितियां काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। ध्यान रखे कि घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान बना रहे। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक संबंध मधुर बने रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी स्वीकृति मिलने से तनाव मुक्त हो जाएंगे। आप किसी भी संबंध के भावनात्मक पक्ष से अधिक जुड़े रहते हैं और इसीलिए यह नहीं समझ पा रहे हैं कि संबंध बहुत आयामी होता है। आपको गोल चक्करों में घूमना है तो अपने आप में मजेदार तो है ही, लेकिन चुनौतियों से भरी भी है। किसी के करीब आने का मौका भी मिलेगा जिसके आप लंबे समय से प्रशंसक हैं। आप उसके साथ बहुत खुशी महसूस भी करेंगे। बात करते हैं करियर की। आज के दिन अपने सभी लंबित कार्य करने के लिए एकदम सही है और आप किन्हीं बाहरी कारणों से समय पर अपना काम खत्म नहीं कर, इसीलिए आपको शीघ्रता दिखानी होगी क्योंकि आपका काफी कार्य लंबित है। आज नई प्रतिबद्धताओं का, इसीलिए आप अपनी पुरानी प्रतिबद्धताओं को समय पर खत्म कर पाएंगे और इन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद आराम करने के लिए आपको पर्याप्त समय भी मिलेगा और आनंद भी, क्योंकि आपने अपने सारे लंबित कार्य को पूरा कर लिया है। बात करते हैं सेहत की। आपको यह बात बहुत ध्यान देकर समझने की आवश्यकता है कि आपका स्वास्थ्य आपकी संपत्ति है और आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। आज स्वास्थ्य संबंधित कोई कार्यक्रम, कोई खेल या कोई अभ्यास कक्षा शुरू करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। तैराकी या पानी संबंधित कोई अन्य कार्यकलाप संबंधित लाभकारी होंगे। तैराकी या पानी संबंधित
कोई अन्य कार्यकलाप विशेष लाभकारी होंगे। अगर आप स्वास्थ्य संबंधित कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उसकी सफलता की संभावना अधिक है। आज का उपाय, आज अब माता लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।